हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्लास 11th से, प्रोपगेशन ऑफ एरर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज एरर। तो दोस्तों, एरर बेसिकली क्या है कि द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें जितनी भी अनसर्टेनिटी रह जाती है उसे हम बोलते हैं एरर। तो दोस्तों, बेसिकली किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब हमारा आंसर आता है तो उसमें हम तीन तरह के एरर्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। एक होती है हमारी एब्सोल्यूट एरर, एक होती है हमारी रिलेटिव एरर, और उसके बाद एक हमारे पास आती है परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। तो दोस्तों, एब्सोल्यूट एरर क्या है कि एब्सोल्यूट एरर इज बेसिकली द मोड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। मीन्स के हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसकी जो एक्चुअल वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है, उसमें से हम हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू आई है उसको माइनस कर देते हैं और हमें क्या मिल जाती है, एब्सोल्यूट एरर। तो दोस्तों, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की ट्रू वैल्यू हमें पता होती है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज इट्स ट्रू वैल्यू। अब मान लिया आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट की, और सपोज आपका जो आंसर आया दैट इज 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी एरर आई है आपके आंसर में, तो वो एरर कैसे निकलेगी, जो आपकी ट्रू वैल्यू है उसमें से आपको ऑब्जर्व वैल्यू माइनस कर देनी है, तो ये आ जाएगा 0.2, दैट मीन्स 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोड का मतलब है कि अगर अंदर कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मोड से बाहर आके वो पॉजिटिव ही हो जाएगी। तो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एब्सोल्यूट एरर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, तो इस ए के अंदर जो एरर आएगी एब्सोल्यूट एरर, उसको हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और एब्सोल्यूट एरर की भी यूनिट वही होती है जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। और कुछ केसेस में दोस्तों क्या होता है कि अगर हमें ट्रू वैल्यू नहीं दी हुई, तो उस टाइम पे हम एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार परफॉर्म करते हैं, तो फिर हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आती है, तो उस एवरेज वैल्यू में से हम हर बार आई हुई ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस करते हैं, और तब हम एब्सोल्यूट एरर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आती है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होती है बेसिकली, कि रिलेटिव एरर कैसे निकलेगी कि जो आपकी एब्सोल्यूट एरर आई है उसको आपने डिवाइड कर देना है ट्रू वैल्यू से। तो जब आप एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाती है, रिलेटिव एरर। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी फिजिकल क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए, और उसकी जो वैल्यू है वो ए है, तो डेल्टा ए बाय ए किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे रिलेटिव एरर को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो हमने ऊपर ये रीडिंग ली, इसमें अगर मैं रिलेटिव एरर निकालता हूँ तो वो क्या आती है मेरी, डेल्टा जी बाय जी, दैट मीन्स इट इज 0.2/9.8। तो ये तो हुई दोस्तों रिलेटिव एरर। इसके बाद हमारे पास आती है परसेंटेज एरर। और दूसरा रिलेटिव एरर के बारे में आपको बता दूं कि रिलेटिव एरर डायमेंशनलेस होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आती है परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर बेसिकली हमें बताती है कि हमने जो मेजरमेंट की है उसमें कितने परसेंट एरर है। वो परसेंटेज एरर निकलती कैसे है कि जो ऊपर आपकी रिलेटिव एरर आई थी ना, जो आपकी रिलेटिव एरर आई थी उसको आपने सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको क्या मिल जाएगी, परसेंटेज एरर। जैसे कि अगर मैं ऊपर इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखूँ, तो इस कैलकुलेशन में रिलेटिव एरर थी 0.2/9.8, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे परसेंटेज एरर मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये बनता है 2/98 × 100। सोल्व करता हूं तो 100/49, अगर इसको मैं पॉइंट्स में निकालता हूं देन इट बिकम्स 2. 100 को 49 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो नियरली 2.04 परसेंट, तो नियरली 2% एरर जो है हमारी परसेंटेज एरर आ जाती है इस कैलकुलेशन में। तो इस तरह से जो है दोस्तों एरर्स निकलते। तो आपने ध्यान रखना है कि एरर बेसिकली क्या है, अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। और एरर तीन तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि जब भी हम
कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें अगर किसी भी टर्म के अंदर एरर आई हुई है तो कैसे वो एरर पूरे क्वेश्चन में जो है फ्लो कर जाती है, मीन्स हम निकालने वाले हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर की, कैसे एरर प्रोपगेट करती है। तो इसके हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस जो है वो डिस्कस करेंगे कि जैसे अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम सम ले रहे हों तब मैक्सिमम एरर कितनी आएगी, अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिफरेंस ले रहे हों तब मैक्सिमम एरर कितनी आएगी, और अगर मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लीकेशन ले रहा हूँ तब मेरी मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितनी आएगी, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ उनको तब एरर कितनी आएगी, या मैं अगर उनको पावर्स में ले रहा हूँ तब मेरी एरर कितनी आएगी। तो वो हम वन बाय वन केसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला केस हम डिस्कस करते हैं, पहला केस है दोस्तों हमारा कि व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ टू नंबर्स, के अगर हमारा जो रिजल्ट है उसमें दो नंबर्स को ऐड किया जा रहा हो तब हमारी जो एरर है वो कैसे प्रोपगेट होती है वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों लेट देर आर टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी और इनको मैं ऐड कर रहा हूँ आपस में और मुझे एक नई क्वांटिटी मिलती है फिजिकल क्वांटिटी जेड, मीन्स जेड जो है हमारा ए प्लस बी के इक्वल है। तो अगर हमारी सपोज ए के अंदर एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए और बी के अंदर हमारी एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा बी, तो हमें अब निकालना है कि जेड के अंदर कितनी हमारी जो है एब्सोल्यूट एरर आ सकती है मैक्सिमम, तो वो हमें डिस्कस करना है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि अगर किसी भी क्वांटिटी के अंदर जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आती है तो उसका मतलब क्या है कि अगर ए के अंदर डेल्टा ए एरर है तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू होगी वो ए प्लस माइनस डेल्टा ए होगी, मीन्स वो ए की जो वैल्यू है वो ए प्लस डेल्टा ए से लेके ए माइनस डेल्टा ए के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो हमें ए की अनसर्टेनिटी मिल जाती है। एरर का मतलब ही ये होता है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, हमें बस एक उसका सेट पता है कि हमें मिनिमम इतने से इतने के बीच में जो है आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्योंकि ए में डेल्टा ए एरर है तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू होगी वो हमारी ए प्लस डेल्टा ए से लेके ए माइनस डेल्टा ए के बीच में कोई वैल्यू होगी। सिमिलरली बी की जो वैल्यू होगी हमें जो मिलेगी ऑब्जर्व वैल्यू वो बी प्लस डेल्टा बी से लेके बी माइनस डेल्टा बी तक की रेंज में होगी और इनसे एरर आई है जेड में डेल्टा जेड। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ कि जेड की वैल्यू जो ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास आएगी वो दैट विल बी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए की जो वैल्यू आएगी इट विल बी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस बी की जो वैल्यू आएगी इट विल बी वी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहां से बनता है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। मैंने ए और बी इन दोनों को पहले लिख लिया, अब हमें पता है ए प्लस बी किसके इक्वल है जेड के इक्वल, तो मैं यहाँ पे जेड लिख सकता हूँ। तो मेरे पास बन जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी की जगह पे आ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों अब z के साथ z कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो दोस्तों हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम एरर, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगी इन z, तो वो क्या होगी, तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो z में हो सकती है डेल्टा z वो किसके कुल होगी। अब डेल्टा a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस के डेल्टा a, तो प्लस का डेल्टा a लेंगे। ऐसे ही यहाँ डेल्टा b की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस डेल्टा b, तो प्लस डेल्टा b। तो इसका मतलब दोस्तों जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगी हमारी z में इट विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन बी। तो ये तो था दोस्तों कि जब रिजल्ट में दो नंबर्स को ऐड कर दिया जाए तब जो एरर आती है, जैसे कि इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाता है। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि द
three sides of a triangle are 2 ± 0.1 cm, 3 ± 0.2 cm, and 4 ± 0.3 cm. कि सपोज हमें एक ट्रायंगल है, उसकी तीन साइड्स दी हैं, ये ए है साइड, ये बी साइड है और ये सी. सपोज ये कोई ट्रायंगल है, ये साइड ए दी है, ये बी दी है, ये सी दी है, और हमें कहा जाता है कि फाइंड द मैक्सिमम एरर इन इट्स पैरामीटर. कि जो परिमाप है त्रिभुज का, ट्रायंगल का जो पैरामीटर है, परिमाप है, उसमें हमें मैक्सिमम एरर जो है वो फाइंड आउट करनी है. अब दोस्तों हमें पता है कि जो पैरामीटर होता है ट्रायंगल का, उसका फॉर्मूला वो किसके कुल होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम, ए प्लस बी प्लस सी. अब ए में हमें पता है एरर, अगर डेल्टा ए है, बी में डेल्टा बी है, सी में डेल्टा सी एरर है, तो इसका मतलब पैरामीटर में जो हमारी मैक्सिमम एरर आ सकती है डेल्टा एक्स, वो किसके कुल होगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी. मीन्स ए में जो एब्सोल्यूट एरर है, प्लस बी में जो एब्सोल्यूट एरर है, प्लस सी में जो एब्सोल्यूट एरर है. तो यहां से फिर मैक्सिमम एरर हमारी आ जाती है, डेल्टा ए में हमारे पास हमें दिया है 0.1, डेल्टा बी हमें मैक्सिमम एरर जो दी है 0.2, डेल्टा सी हमें दिया है 0.3. तो ये आ जाएगा 2 और 1 3 3 6, तो 0.6 cm. तो इसका मतलब जो मैक्सिमम परमिसेबल एरर होगी हमारी पैरामीटर के अंदर, वो कितनी होगी, 0.6 cm. तो इसका मतलब हम पैरामीटर को क्या लिखेंगे, जेड विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स 2 + 3 + 4, ये बन जाते हैं आपके 9. तो 9 ± 0.6 cm इट विल बी अवर पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के, जो आपके स्कूल के एग्जाम्स होते हैं प्लस वन के, वहां पे आ सकते हैं. तो ये तो था दोस्तों कि जब रिजल्ट में दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं. इसके बाद आता है नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे हम कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा हो, मींस इफ द रिजल्ट इन्वॉल्व्स डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, कि अगर दो नंबर्स का डिफरेंस ले लिया गया हो, मीन्स जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी हो. दोस्तों हमें पता है ए में डेल्टा एरर है, बी में डेल्टा बी, तो उससे सपोज जेड में कितनी एरर आ जाती है, डेल्टा जेड. तो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी. तो ये बन जाता है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लूंगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस का निशान अंदर जाएगा, माइनस के बी, और ये आपका बन जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस डेल्टा बी बन गया ऐसे. तो यहां से फिर मैं फर्दर लिख लूंगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी. अब ए माइनस बी हमें पता है जेड के इक्वल है, तो ये बन जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, इसकी जगह पे जेड आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, जेड से जेड कैंसल. तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस के डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी. तो इसका मतलब जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगी दैट विल बी प्लस डेल्टा जेड, प्लस माइनस में से प्लस वैल्यू बड़ी है तो प्लस के डेल्टा ए, माइनस प्लस में से प्लस वैल्यू लेंगे क्योंकि मैक्सिमम एरर हमें लेनी है, तो इट विल बी डेल्टा. इसका मतलब अगर हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें दो नंबर से एक दूसरे में से माइनस हो रहे हो, तब भी हमारी जो मैक्सिमम एरर रहती है वो दोनों के एब्सोल्यूट एरर्स के सम के इक्वल ही होगी. तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दो नंबर आपस में माइनस हो रहे हैं तो उनके एब्सोल्यूट एरर्स हमेशा ऐड होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें ए की वैल्यू दी होती 2 ± 0.1 cm और बी की वैल्यू दी होती 3 ± 0.2 cm, और कोई पूछ लेता ए माइनस बी बताओ,
क्या होगा, मतलब ए माइनस, और जेड हमारा होता है ए माइनस बी, तो अगर हमें पूछा होता डेल्टा जेड क्या होगा तो वो क्या होगा 0.1 प्लस 0.2, तो ये दोनों एरर्स ऐड होती है, इट बिकम 0.3 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर दो नंबर्स ऐड हो रहे हो तो उस टाइम पे जो एरर्स हैं वो भी ऐड हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो किसकी फॉर्म में दिए हों, प्रोडक्ट की फॉर्म में, कि जेड किसके कुल दिया हो हमें ए डॉट बी, और इसके बाद नेक्स्ट केस हम पढ़ेंगे कि अगर जेड क्या दिया हो ए बाय बी, फिर हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे कि अगर जेड क्या दिया हो ए की पावर एन की फॉर्म में। दोस्तों ये तीन केस हैं नेक्स्ट जो बचे हैं, तो ये बचे हुए तीन केस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है, कि अगर रिजल्ट में दो नंबर्स, दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हो तो टोटल एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी मैक्सिमम, ऐसे अगर दो क्वांटिटीज सब्सट्रैक्ट हो रही हो तो टोटल जो है एरर कितनी होगी, ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। और इससे नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, अगर प्रोडक्ट लें, क्वोशेंट लें, मतलब डिवाइड में लें या पावर्स में लें, तब हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर्स आल्सो। और इन तीन टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए लिंक में जाएं, इस वीडियो पे जैसे ही मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जरूर डालूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।